أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم إني أسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. آمين رب العالمين. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. तो हम क्या कर रहे थे, रिव्यू हम रिव्यू कर रहे थे ये प्रोनाउन चार्ट्स. इसमें एक तो इंडिपेंडेंट वर्जन है. व्हाट डू वी नो अबाउट द इंडिपेंडेंट प्रोनाउन, मुबर्रा बताइए इंडिपेंडेंट प्रोनाउन के बारे में क्या हमें पता है? वो रफा स्टेटस में होते हैं. जी हाँ बिल्कुल, यही बात मुझे करनी थी मदिया. इंडिपेंडेंट प्रोनाउन आर ऑलवेज एंड ओनली इन द रफा स्टेटस. तो जो हमें वाइट नजर आ रहा है हुआ हुमा हुम, ये वाला हुहिया हुमा हुन्ना, तो दे आर इन द रफा स्टेटस. एंड व्हाट डू वी नो अबाउट द अटैच्ड प्रोनाउन्स, अटैच्ड प्रोनाउन्स के बारे में हमें क्या पता है, क्या स्टेटस होगा अटैच्ड प्रोनाउन का? ठीक है बिल्कुल. जो अटैच्ड प्रोनाउन होते हैं वो या तो होते हैं नसब स्टेटस में या फिर वो होते हैं जर स्टेटस में. ठीक है ये हमें पता है. अच्छा अब ये वाला चार्ट जो है दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट, इसके सब नोट्स बनाइए. ठीक है राइट योर प्रोनाउन नोट्स हियर. ये हमने उस वक्त नहीं किया था, आई लेफ्ट इट, हम बाद में करेंगे. पहले हम देख लेते हैं अटैच प्रोनाउन इज जर इन टू केसेस. ये कौन बताएगा मुझे? आप लोग बताएंगे कि कौन से दो केसेस में हम नीचे वाला कर रहे हैं? एक तो ये कि हर्फ ऑफ नसब के साथ हो. नहीं जर जर की बात कर रही हूँ मैं. अच्छा तो हर्फ ऑफ जर, हर्फ ऑफ जर. जी बिल्कुल सही है, हर्फ ऑफ जर एक हमारे पास हो जाएगा. तो हर्फ ऑफ जर के साथ अटैच होंगे तो ये जर होंगे. एग्जाम्पल दे दीजिए. जैसे मैंने कहा थोड़ा सा छोटा है, आप लोगों को नजर आने में थोड़ी सी प्रॉब्लम हो रही होगी, मैं बाद में इंक्रीज कर दूंगी. अगर मैंने कहा बी ही तो मुझे पता है कि ये जो ही है ये कौन से उसमें है, इट इज इन द जर स्टेटस. ठीक है एक तो हो गया हर्फ ऑफ जर, ये तो सबको सबको समझ आ गया ना. इज इट क्लियर टू एवरीवन? मैं दोबारा टाइप कर रही हूँ हर्फ ऑफ जर. Yes. और उस्ताज़ दूसरा मुदाफिले रूल नंबर टू. जी हाँ बिल्कुल सही कहा आपने. ओके बिल्कुल सही कह रही हैं. और दूसरा जो है वो इदाफा. अगर इदाफा फ्रैगमेंट होगा तो इसमें क्या हो जाएगा, ये इन द जर स्टेटस हो जाएगा. इसकी क्या एग्जांपल है इदाफा की? बैतुहु. बिल्कुल अल्हम्दुलिल्लाह, बैतुहु किताबु का. तो ये क्या हो गए, ये जर में हो गई. तो जर में सिर्फ दो केसेस हो सकते हैं, या तो हर्फ ऑफ जर के साथ होगा या मुदाफ मुदाफ इलैह होगा. तो उसमें इन इन दोनों में हम क्लियर हैं सब? आर वी ऑल क्लियर अबाउट द टू? यस. अच्छा बाकी सब लोगों को क्लियर है ये बात? यस. ठीक है अगर कोई कंफ्यूजन है तो अभी पूछ लीजिए. जी बेटा तो मैं कह रहा कोई कंफ्यूजन. ठीक है अल्हम्दुलिल्लाह. अब यहाँ पर देखते हैं कि ये नसब कब होगा. एक तो होगा नसब, कब होगा हर्फ ऑफ नसब के साथ. ठीक है हर्फ ऑफ नसब के साथ होगा जब भी हर्फ ऑफ. अच्छा जल्दी से हर्फ ऑफ नसब रिव्यू कीजिए. कौन करेगा? मैं चैट बॉक्स नहीं देखूंगी तो प्लीज चैट बॉक्स में मत टाइप कीजिए. कैसे मैं करूं? जी आप कर लीजिए. इन्ना अन्ना का अन्ना भी अन्ना लाइला लाकिन्ना लाइता. ठीक है राइट. तो अगर जो है हो जाएगा इन्ना का, तो इन्ना का क्या हो जाएगा, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ. अगर किसी को कोई कंफ्यूजन हो तो फिर मुझसे पूछ लीजिएगा, मैं करवा दूंगी, दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगी. और ये नजर आने में थोड़ा सा प्रॉब्लम हो रही है, मैं दोबारा इसको थोड़ा सा लार्ज करके आपको एंड में दिखा दूंगी. इन्ना का हो जाएगा तो ये हर्फ ऑफ नसब. आई डोंट नो कि बाय सो की प्रॉब्लम. ऐसा करते हैं कि इससे
हर्फ ऑफ नसब होगा और दूसरा क्या होगा व्हेन इट इज अटैच्ड टू अ फेल. तो ये आज हम करेंगे कि अटैच्ड प्रोनाउन जब भी फेल के साथ होगा. इसकी एग्जांपल जैसे दे दी थी मैंने क्या इन्ना का. तो का हमें पता है इन द कौन से है नसब स्टेटस में. अब फेल के साथ जब हम इसको अटैच करेंगे तो क्या होगा ये हमेशा कौन से स्टेटस में होगा नसब स्टेटस में होगा. ठीक है नसब स्टेटस में होगा इसलिए क्योंकि ये उसकी डिटेल है. ठीक है एंड डिटेल इज ऑलवेज इन द नसब स्टेटस. पता है ना ये तो हमने बिल्कुल फर्स्ट क्लास में किया था. जो फाइल है इज द डूअर एंड द डिटेल इज द इन द नसब स्टेटस और वो उसका हम टर्म क्या देंगे उसको हम टर्म देंगे मफूल. अब चलें आगे चलते हैं इसको डिटेल में देख लेते हैं तो इंशाल्लाह अगर कोई कंफ्यूजन है. ऑब्वियसली वी हैव जस्ट स्टार्टेड इट. तो अगर ये वाला चार्ट आपको अच्छी तरह से याद है जो अभी सलमान ने सुनाया है हु हुमा हुम हा हुमा हुन्ना का कुमा कुम की कुमा कुन्ना और या तो सिर्फ या होगा या नी होगा एंड ना फॉर नाहनु. राइट अब ये देख लेते अटैचिंग प्रोनाउन टू द फेयर्स. अब देखिए अब अगर ये हम एग्जांपल लेते हैं नसरानी. अगर सिर्फ हम सिर्फ इसको कंसिडर करते हैं नसारा को तो व्हाट इज द ट्रांसलेशन ऑफ नसारा. सिर्फ नसारा की ट्रांसलेशन बताइए. ठीक है ही हेल्प्ड. अब हमने इसके साथ क्या किया अटैच्ड प्रोनाउन लगा दिया नी. अब क्या इसकी ट्रांसलेशन हो जाएगी ही हेल्प्ड मी. ही हेल्प्ड मी. ठीक है राइट. तो अब इसमें क्या होगा इसमें हम दो चीजें देखते हैं. What was the fail here? Fail हमारे पास क्या था? नसरा. ये समझ आ गया? अच्छा, what is the file? नसरा. File बताइए. Who is the doer for नसरा? He. Yes. तो हम कहेंगे अब हम ही नहीं कहेंगे अब हम हुआ कहेंगे क्योंकि हम थोड़े से advanced level पर आ गए. ठीक है. अब जब अटैच प्रोनाउन होगा इसका क्या लेबल होगा. सो मी इज द अटैच प्रोनाउन एंड इसका लेबल होगा मफूल. एंड मफूल इज व्हाट मी. समझ आया. ओके समझ आया. मैं और एग्जांपल्स करवाती हूँ बट ये एग्जांपल समझ आ गई सबको. यस ठीक है. और आप लोगों ने अल्हम्दुलिल्लाह खुद ही ट्रांसलेट कर लिया कि नसारा का हो जाएगा ही हेल्प्ड और जब इसके साथ हमने मफूल अटैच किया तो इट्स गोइंग टू बी ही हेल्प मी. दिस इज व्हाट दे हैव एक्चुअली एक्सप्लेन्ड. अब हम यहाँ से करते हैं इसी तरह से इसको हम इसे इतना देखेंगे ताकि हम इसको खुद करें. ओके नसराहा. अब इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे. जो रेड वाला है रेड वाला इज द वर्ड द प्रोनाउन अटैच्ड प्रोनाउन. अटैच्ड प्रोनाउन को हम अरेबिक में क्या कहेंगे मफूल. मफ़ूल. ठीक है एक दफा सब बोलिए. व्हाट आर वी गोइंग टू से दिस अटैच्ड प्रोनाउन. द अटैच्ड प्रोनाउन व्हिच इज अटैच्ड टू द फ़ेल इट इज कॉल्ड मफ़ूल. मफ़ूल. ठीक है अब इसके लिए मैं इस अटैच्ड प्रोनाउन को मैं मफ़ूल कहूंगी एंड वी विल ट्रांसलेट इट टुगेदर. पहले देखेंगे कि हम इसमें फ़ाइल क्या है फिर देखेंगे हम इसमें मफ़ूल क्या है. मफ़ूल इज इन द रेड. ठीक है और उसके बाद वी विल ट्रांसलेट इट टुगेदर. सो नसरा हा. नसरा में फाइल बताइए मुझे. फाइल बताइए नसरा हा का. हु इज द डूअर. ठीक है बिल्कुल सही अल्हम्दुलिल्लाह. फाइल इज मैं एफ लिख देती हूँ. द फाइल इज हुआ. ठीक है और इसका मफूल क्या है एम एफ लिख देते हैं मफूल. हु इज द मफूल. हाँ ठीक है. अब हम नसरा का मतलब हमें पता है हेल्प. अब इसका ट्रांसलेशन कीजिए. हाँ को अटैच करके कीजिए. नसरा क्या हो जाएगा ही हेल्प्ड.
अब हा लगा दीजिए. यस ही हेल्प्ड हर. हा का क्या है, शी है ना, तो ही हेल्प्ड हर. समझ आया सबको? जी सर. ठीक है, अब नेक्स्ट वन देखते हैं. दो तीन चार करेंगे इंशाल्लाह सबको समझ आना शुरू हो जाएगा. नसर तू हु. अब इसमें मुझे फाइल बताइए. नसर तू. ठीक है, फाइल बताइए. हु इज द डूअर? जी अना. बिल्कुल सही सिस्टर आशिता, अल्हम्दुलिल्लाह आज आप फॉर्म में हैं माशाल्लाह से. अना. और मफूल क्या है? रेड वन इज द मफूल. मफूल बताइए. हु इज द मफूल. ठीक है, बाकी बच्चों को क्या हो गया आज? हिम. अब इसकी ट्रांसलेशन करते हैं. नसरतु को क्या कहेंगे हम? पहले नसरतु को करते हैं. नसरतु का ट्रांसलेट करते हैं, फिर उसके साथ मफूल लगाएंगे. आई आई हेल्प. ठीक है, अब हु लगा दे इसके साथ. आई हेल्प हिम. यस, वेरी गुड. आई हेल्प हिम. नसरतु को पहले हमने ट्रांसलेट किया. व्हाट विल वी गेट? आई हेल्प, मैंने मदद की. हु उसकी, तो आई हेल्प हिम. समझ आ रहा है सबको? यस सर. ठीक है, अल्हम्दुलिल्लाह. अब नसरतनी. ठीक है, नसरत में मुझे फाइल बताइए. हिया. वेरी गुड, हिया इज द फाइल. एंड व्हाट इज द मफूल? नी इज द मफूल. ठीक है, पहले हम सिर्फ नसरत का ट्रांसलेशन करते हैं. नसरत का ट्रांसलेशन बताइए. शी हेल्प्ड. यस, और अब उसके साथ नी अटैच कर दीजिए. शी हेल्प्ड मी. शी हेल्प्ड यू. यस, अल्हम्दुलिल्लाह सबको समझ आ रहा है. चलिए अब आगे बढ़ते हैं, ये वाला करते हैं. अल्लमना कुन्ना. इसको तीनों को लेते हैं. अब करते इन तीनों को करते. अच्छे जरा से रुक जाए, सबको मैं जरा कॉल आउट कर. अच्छा, अल्हम्दुलिल्लाह काफी सारे लोग आ गए. कौन नए लोग आए हैं? ठीक है सबसे. अजीज फातिमा जरा आप कीजिए नेक्स्ट वन. आई थिंक उनको आवाज नहीं आई है क्या? मिनाहिल आप कर, सॉरी मुंतहा आप कर लीजिए. इट्स फाइन उस्ताद, मैं थोड़ा सा कर लूंगी. जी कीजिए. अलमना कुन्ना वाला. अलमना, लाम के ऊपर शद्दा है. अलमना कुन्ना. पहले अलमना कुन्ना में मुझे फाइल बताइए. ना. ना नहीं कहेंगे. नहनु. कहेंगे जी. नहनु. और कुन्ना, सॉरी मफूल क्या होगा? कुन्ना. ठीक है, कुन्ना इज द मफूल. अब इसको अल्लमना का पहले ट्रांसलेशन कीजिए. अल्लमना का मतलब याद है आपको? टॉट. जी ठीक है. वी टॉट. ठीक है. कुन्ना यू ऑल फीमेल. शाबाश, वेरी गुड. वी टॉट यू ऑल फेमिनिन. हमने सिखाया तुम सब औरतों को. चलिए मिनाहिल आप नेक्स्ट वन कर लीजिए. सॉरी मैं मिनाहिल बार बार कह रही हूँ. मुंतहा आप कर लीजिए नेक्स्ट वन. अल्लम्तुमाहुमा. फाइल बताइए पहले. फाइल इज अंतुमा. ठीक है. मफूल इज हुमा. ठीक है, मफूल इज हुमा. हुमा इज द मफूल. ओके अब अच्छा इसमें क्या हो सकता है? अंतुमा कौन सा वाला अंतुमा है? मैस्कुलिन के फेमिनिन? हम हुमा से देखेंगे कि मैस्कुलिन है. पहले इसको देखें. तुमा मैस्कुलिन होगा कि मैं फेमिनिन होगा? जी एक मिनट इनको बताने दीजिए सिस्टर आशा. दोनों हो सकते हैं. ठीक है, मैस्कुलिन भी हो सकता है. अब ये जब आयत में आता है ना तो हम अकॉर्डिंग टू द कॉन्टेक्स्ट इसको देख लेते हैं कि पहले दो आदमियों के बारे में बात हो रही है या दो औरतों के बारे में बात हो रही है.
इसी तरह से ये जो हुमा है ना, ये भी मैस्कुलिन भी हो सकता है और ये भी फेमिनिन भी हो सकता है, क्योंकि ये भी दोनों हो सकते हैं. ठीक है? यस सर. तो आपका इसमें हमारे बहुत डिफरेंट जो है वेज ऑफ ट्रांसलेशन हो सकते हैं टू मैस्कुलिन, लाइक फोर. अगर हम प्रोबेबिलिटी देखते हैं, सबने मैच जितने किया उनको समझ आएगा, देर आर फोर प्रोबेबिलिटीज ऑफ डूइंग इट. अब कोई भी जो है ट्रांसलेशन ऐसा करें, पहले मैस्कुलिन से आप ट्रांसलेट कर लें, फिर फेमिनिन से कोई और ट्रांसलेट कर लेगा. उस्ताजा एक चीज मुझे पूछनी है, अगर हम यू टू की बात कर रहे हैं तो ये भी तो हो सकता है कि यू टू में एक मर्द और एक औरत हो. जी बिल्कुल सही कह रही हैं. और इसी तरह से हुमा में भी हो सकता है एक मर्द और एक औरत. जी चलिए ट्रांसलेट कर लीजिए. यू कॉम्बिनेशन हमें फोर से ज्यादा ही बन जाएंगे, इस लिहाज से मैं ये कह रही थी. ताकि हमें कंफ्यूजन ना हो. बट वी हैव अंडरस्टूड कि अंतुमा जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए होगा, और इसी तरह से हुमा भी जो है वो मैस्कुलिन और फेमिनिन दोनों के लिए होगा. और हम ट्रांसलेट ये करते हैं कि यू टू कह देते हैं और दे टू कह देते हैं. चलिए यू टू टॉट both of them, yeah, two of them. Very good, yes, both of them. You two, the two of you taught both of them. Okay, Mubarra, aap kar lijiye. Alam tumu na. Kajas me fail hai hum. Achha, ek minute. Actually, ye wala mujhe samjhana padega. इस वाले में क्या होता है कि ये इसमें ना फ्लो के लिए हमें वो लगाना पड़ता है. यहाँ कर लेंगे, हमें लेती हूँ फिर बाद में इसको इरेज करके बताती हूँ. इसमें क्या होता है, समटाइम्स कर लें और ये आप नहीं कर सकेंगी जब तक मैं समझाऊंगी नहीं. दिस वर्ड इज लाइक दिस. अल्लम तुम, ये वर्ड है. ठीक है, अल्लम तुम और ये हुम हो गया. दिस इज हाउ इट इज. ठीक है, अब अगर हम इस तरह से इस वर्ड को पढ़े अल्लम तुम हुम, तो कितने लाइक डिसजॉइंटेड लग रहे हैं ना. अल्लम तुम हुम, सब बोलिए इसको अल्लम तुम हुम. अल्लम तुम हुम, तो रादर तो इस तरह से जब ये जो तो अंतुम के साथ जब अटैच प्रोनाउन लगता है जस्ट टू मेक द वर्ड फ्लोई फ्लो के लिए वो क्या करते हैं एक वाव लगा देते हैं एंड दिस विल बिकम अल्लम तुमुहुम. समझ आया? बिकॉज ये सिर्फ ये वाला जो फ्लोई वाव है, दिस इज द वाव फॉर द फ्लो, ये सिर्फ जो है वो अंतुम वाले में आएगा, इसके अलावा और ये कहीं नहीं आएगा. अंतुम वाले पास्ट टेंस में जब हमें अटैच लगाना होता है तो उसके लिए जो है वो अल्लम तुम हुम या नसर तुम ना इस तरह से होगा तो बुरा मतलब बोलने में प्रॉब्लम होती है. तो अरब्स क्या करते हैं वहां पे एक वाव लगा देते हैं. तो एक्चुअली अब हम अगर इस हिसाब से देखें तो यहाँ पे क्या फाइल बनेगा और क्या मफूल बनेगा, अंतुम. ठीक है, अब अंतुम बनेगा इसका फाइल. ठीक है, इससे हमें पता चला कि ये जो फाइल है ये है अंतुम और मफूल क्या है ना. ठीक है, ना इस मफूल. अब इसको ट्रांसलेट कीजिए. ऑल ऑफ यू टॉटस. ठीक है, ऑल ऑफ यू टॉटस. ठीक है, ये वाला कौन करेगा? काफी सारे लोग हैं अभी तो हमारे पास. सलमान आप कर लें. ठीक है, कौलू. पहले फाइल बताएं मुझे. कौलू में क्या फाइल है? वाव एंडिंग. नसरा चार जल्दी से पढ़िए. हुआ नसरा, हुमा नसरा, हम नसरू, ये नसरत, हुमा नसरा.
बस उस्ताद इसमें वो अलिफ ही नहीं है, कोई बात नहीं, वो तो यहाँ पे नहीं, इसकी जरूरत ही है ना, उसकी जरूरत अच्छा हाँ, फिर तो ये होम होगा। बस अभी हम इसको पढ़ते ही नहीं है जी, ये होम है, उस अलिफ को नहीं पढ़ते, जहाँ पे अटैच प्रोनाउन नहीं आता तो अकेले फेल के साथ आता है वो, तो वाओ किससे क्या पता चला, होम हो गया ठीक है, और मफूल भी ही। अगर किसी और को कंफ्यूजन है तो सलमान को कंफ्यूजन थी कि यहाँ पर अलिफ क्यों नहीं है, अलिफ तो वैसे भी अलिफुल फारिका था, मींस एज अ साइलेंट अलिफ, उसको हम वैसे भी वहाँ पर सिर्फ लगाते हैं रस्मुल खत की वजह से, पढ़ते नहीं है, तो सिर्फ हम देखेंगे वाओ को, वाओ के देखने से हमें पता चला दिस इज हुम, एंड व्हाट इज द मफूल, मफूल बिही इज हु, ठीक है, ट्रांसलेट करें, and he said, not he said, whom से करना है, and they all said male, they all said who, अब इसके साथ लगाएं, उन सब ने कहा, किससे कहा, who, they all said to him, they all said to him, समझ आया सबको, is it clear to everyone so far, yes sir, yes, okay chale ab aage badhte hain, isme to this is very simple, ye sirf hame jo hai wo pronoun ko jaldi se jo hai wo karte jate hain, sab jinke piche noise nahi hai wo jaldi se apne aap ko unmute kar le taki hum isko ek 3-4 minute mein complete kar le, to isme hame kya karna hai, circle the attached pronoun, sirf attached pronouns ko circle karna hai, जल्दी जल्दी बताते जाइए, नंबर वन का, ठीक है, नंबर टू हुम, हुम, नंबर थ्री हाँ, नंबर फोर, सब लोग बोलिए, एक्सक्यूज मी उस्ताजा, नंबर टू में ये तो अटैच्ड है या डिटैच्ड है, नंबर टू में हुम जो है ये तो इंडिपेंडेंट प्रोनाउन नहीं है, नंबर टू में हुम, ठीक है, आप ऐसा कीजिए अटैच्ड प्रोनाउन का चार्ट पढ़िए, इट इज गुड टू आस्क क्वेश्चंस कि आपकी अपनी कंफ्यूजन क्लियर होगी, अगर आप चाह रही हैं तो मैं पीछे आपको ले जाऊंगी, जल्दी से पढ़ना शुरू कीजिए, हु, नहीं फिर मैं बाद में देख लूंगी, मेरे पास अभी सामने है नहीं, जी ओके, हु हुमा हुम, हु हुमा जी ओके, अभी सलमान ने पढ़ा था ना, तो हुम अटैच भी है और हुम डिटैच भी है, कुछ ऐसे ओके, ठीक है सही, जी ओके, चलिए नेक्स्ट बताइए, सारे लोग जिनके पीछे शोर नहीं है वो एक साथ जल्दी जल्दी बताते जाइए, ना ना ठीक है, ना नंबर फाइव, हा 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 हा, नंबर सिक्स, हुम हुम, नंबर सेवन, हुम हुम हुम, ठीक है, नंबर एट, हुम हुम हुम, नंबर नाइन, हु, ठीक है, नंबर टेन, राइट, नंबर इलेवन, नंबर ट्वेल्व, हसन आपको कैसे आ गया इतनी अच्छा, मेरी अम्मी मुझे बता रही है, अच्छा अच्छा चले अब ये वाला कर लेते हैं, इसी इसमें हमें यही करना है, ये आप लोग करेंगे ठीक है, यहाँ पर अल्हम्दुलिल्लाह क्या बात है कि सबसे पहले तो यहाँ पर इसके मीनिंग गिवन है तो हमें इसमें प्रॉब्लम नहीं होगी ठीक है, लेकिन इसी तरह से हम सबसे पहले जो मैं पहले एक्सरसाइज करवा रही थी इसी तरह से करवाऊंगी कि आइडेंटिफाई करेंगे पहले फाइल को, फिर आइडेंटिफाई करेंगे मफूल को, फिर सिर्फ फाइल के साथ ट्रांसलेट करेंगे और उसके साथ मफूल लगाएंगे, अगर स्टेप बाय स्टेप फॉलो नहीं करेंगे आप लोगों को बहुत प्रॉब्लम होगी, सो यू हैव टू फॉलो द स्टेप्स विद मी, चलिए फाइल बताइए और मफूल बताइए, चलिए मैं वन बाय सिस्टम मदीहा आप कर लीजिए, नंबर वन, फाइल इज ना, नहीं सॉरी नहनु, ठीक है, और मफूल इज हा, ठीक है, नहनु मैं इस तरह से लिखती जाती हूँ, बस पहले फाइल होगा और बाद में मफूल होगा, इज हा, अब आप ट्रांसलेशन बताइए, we destroyed her, जी राइट, वी, Allah, एक मिनट, try to type it for, we
भी डिस्ट्रॉयड है. ठीक है. और आई थिंक सिटी टाउन को करियतुन जिसको कहते हैं वो हर बिल्कुल सही कहा आपने. यही है यहाँ पर करिया की बात हो रही है, किसी टाउन की या किसी विलेज की बात हो रही है. चलिए नेक्स्ट वन सिस्टम आहरा आप कर लीजिए. जाअहुम फाइल बताइए फिर मफूल बताइए. चले कोई उससे रास्ता आप कर लीजिए. जाअहुम जाअहुम फाइल इज हुआ. फाइल कौन है? हुआ. बिल्कुल सही है हुआ. और मफूल कौन है? मफूल होम. ठीक है अब ट्रांसलेट कीजिए. ही केम जी टू देम. राइट ही केम टू देम. बिल्कुल सही अल्हम्दुलिल्लाह ही केम टू देम. चलिए नेक्स्ट वन कौन करेगा? सिस्टर सरवत आप कर लीजिए. सकुलत हिया. ठीक है. व्हाट इज हिया? शी. मगर ये क्या है? हिया इज अ फाइल. ठीक है. और मफूल? अगेन हिया इज फाइल. सॉरी या मफूल हु है? मफूल नहीं है यहाँ पर. सकुलत के साथ कुछ अटैच ही नहीं है. सो हियर देयर इज नो मफूल. आप सबको समझ में आ रहा है? सकुलत दत्ता एंडिंग उसके बाद कोई चीज उसके बाद अटैच नहीं है. yes. हम अटैच प्रोनाउन कहेंगे. सो हेयर ओनली वी हैव द फाइल एंड वी डोंट हैव एनी मफूल. सो हम इसको सिर्फ फाइल के साथ ट्रांसलेट करेंगे. कीजिए सिस्टर सरवत. ओके बिकेम इट बिकेम हेवी. वैसे यस इट बिकेम हेवी. वैसे अगर हम खाला अगर आप करना चाह रही है तो आप कर लीजिए. ठीक है मैं ट्राई करूंगी चंद्रा. ठीक है बहुत आसान है. मक्कन्ना तो ना तो मफूल होगा. मैं उल्टा चल रही हूँ जरा. नहीं नहीं पहले ये मफूल यहाँ से देखे ना. पहले आप मुझे हुआ हुआ ना नून ऑलिफ के साथ ना से क्या होगा ना. जी बेटा आपने क्या कहा? मुझे आवाज नहीं आ. नसर ना नसर नून ऑलिफ तो मक्कन्ना तो फाइल क्या होगा? ही हु नहीं हुआ होगा ना. नहनु इज द फाइल. और मफूल क्या है? वी निकुम कुम कुम. अच्छा ये नहीं तो क्योंकि वो हाइलाइटेड था ना इसीलिए मैं जरा कंफ्यूज हो गई हूँ. मकन्ना है सिर्फ. अच्छा ठीक है समझ गई मैं बेटा. ठीक है कोई बात नहीं खाला. अगर आपको ट्रांसलेशन करना है तो आप कर लें वरना कोई और कर लेगा. बेटा कोई और कर ले तो बेहतर. ठीक है ठीक है ठीक है कोई और कर ले. कौन करेगा इसकी ट्रांसलेशन? नून अलिफ पहले हमने इसको देखा तो पहली चीज देखने से हम आइडेंटिफाई करते हैं फाइल को. मक्कन्ना नसर ना तो नहनु इज द फाइल. नाउ तकुम इज अटैच्ड प्रोनाउन इट इज द मफूल. अब इसके साथ ट्रांसलेशन कीजिए. वी सेटल्ड. कैन आई डू? जी हसन आप कर लें. वी सेटल्ड यू. वेरी गुड. वी सेटल्ड you all. Yes. हम ने तुम सबको ठिकाना दिया. We settled them नहीं हो भाई. कुम है ना हम नहीं है कुम. तुम सबको you all. Wow. अगर हम होता तो फिर सही. क्या होता them all होता है ना. यहाँ पे कुम है तो you all होगा. ठीक है चलिए सलमान आप कर लें फिर करवाएंगे साथ से करवाएंगे. जैसे कि वो
मैंने एक छोटी मरियम को छोड़ दीजिए, मना और का को देखिए जी असा मना हुआ हो जाएगा मफूल हो जाएगा और मफूल भी ही हो जाएगा का। ठीक है बिल्कुल, अब ट्रांसलेट कीजिए। माँ का मतलब माँ तो नो को माँ को छोड़ दे, मैंने कहा माँ को छोड़ दे। अच्छा सही है, मना का ट्रांसलेट कीजिए। He forbid. ठीक है, पहले मना ट्रांसलेट किया he forbid, अब उसके साथ ये लगाइए का लगाइए। He forbid him. You. नहीं he forbid you. You. जी. He forbid you. बल्कि forbid हो जाएगा ना, ये तो past tense है. Forbid would be said. Present and forbid would be past. Forbid is past tense. I don't know. Forbid is past tense. Yes, sir. Forbid. He forbade you. ये सारे present tense में लिखे ना जी. I thought के past tense is also forbid. ठीक है, जज़ाकअल्लाह. साद आप कर लीजिए. अग्वैतनी. साथ अली खान जी ये वाले कीजिए। अगवैता फाइल कौन है इसमें? शेर पैनाडोल है। इससे मदीहा प्लीज माइक म्यूट कीजिए। 11 बजे तक के टाइम में शेर वाली दवाई कर देती हूँ। नींद भी आ जाएगी। यहाँ है मदीहा, म्यूट योरसेल्फ। दैट्स व्हाट आई एम ट्राइंग टू डू मगर मुझसे हो नहीं पाया। मदीहा म्यूट कीजिए। चलिए मैं इनको रिमूव कर देती हूँ। डिस्ट्रक्शन हो जाता है जी। चलिए अब कीजिए। अंता होगा ना? बिल्कुल सही अंता, शाबाश। अंता फाइल हो गया और मफूल अंता इज फाइल। अंता मफूल क्या है जी? अना इज यार से क्या पता चला? अना। अब इसको ट्रांसलेट कीजिए। अग्वैता अंता से कीजिए। अग्वैता उस्ताद समझ नहीं आ रही। कोई बात नहीं, अब अंता से करेंगे तो क्या होगा? यू अंता से अंतर से क्या हो जाएगा? यू। अब करें यू पुट इन एरर, गुमराह करना। यू पुट इन एरर। अब इसके साथ अना लगा दें। मी यस, तो इस तरह से हो जाएगा यू पुट मी इन एरर। इन एरर जी, यू पुट मी इन एरर, तुमने मुझे गुमराह किया, तुमने मुझे गलत रास्ता दिखाया। तभी आका मुबर्रा आप कर लीजिए। फाइल होगा हुआ। ठीक है बिल्कुल शाबाश, हुआ इज द फाइल एंड द मफूल इज का। मफूल इसका, ठीक है ट्रांसलेट कीजिए। He followed me. Yes, very good. He followed me. He followed. तभी आ he followed.
उसने मेरी इत्तबा की उसने और मी मेरी तो ही फॉलोड मी. हाँ आप कर लीजिए. ठीक है कोई भी नहीं है. शाबाश वेरी गुड. मफूल यहाँ पर कोई भी नहीं है. ये लहुमा क्या है फिर? लाम हर्फ ऑफ जर. वेरी गुड. इट इज द हर्फ ऑफ जर एंड हा इज द मजरूर. सो ये इसका अटैच प्रोनाउन नहीं है. ये एक हर्फ ऑफ जर फ्रैगमेंट है क्योंकि ये हुमा नहीं है, ये लहुमा है एंड विच इज हर्फ ऑफ जर. अल्हम्दुलिल्लाह वेरी प्राउड ऑफ यू माशाल्लाह आपने आइडेंटिफाई बिल्कुल ठीक किया. अब आप इसको वो कीजिए ट्रांसलेट. He whispered evil suggestions. Yes, he whispered evil suggestions. ठीक है. इसमें कोई मफूल नहीं समझ आ गया सबको? इसमें जो ला है वो एम्फेसिस का नहीं होगा? नहीं, मैं भी बताती हूँ एक मिनट, मैं भी समझाती हूँ. प्रोनाउन को कभी एम्फेसाइज करने की जरूरत ही नहीं पड़ती है. Pronoun itself is an emphasis for something which is coming earlier. So pronoun ko emphasize karne ki zarurat nahi padti. Okay. Theek hai, next one. Sister Aziz Fatma, aap kar liye. Wa qasama huma. Wa qasama huma. ये वो कौ समान जो है ये हुआ है. ठीक है. और हुमा जो है ये हुआ, फिर हम कहेंगे कि फाइल है और मफूल क्या है? मफूल हुमा. हुमा है. ठीक है. अब हुमा क्या हो सकता है, मैस्कुलिन के फेमिनिन? मैस्कुलिन दोनों हो सकते हैं. मैस्कुलिन भी हो सकता है और फेमिनिन भी हो सकता है. फाइल जो है वो मैस्कुलिन है ना, इसलिए नहीं. तो कोई आदमी क्या किसी लड़की के साथ या औरत साथ ठीक है, कर सकता है. जब पूरी आयत में उसका कॉन्टेक्स्ट देखेंगे तो फिर हमें पता चलेगा. इस वक्त वी विल नॉट बी एबल टू टेल कि ये मैस्कुलिन है या फेमिनिन है. तो आप इसका जनरल ट्रांसलेशन कर लीजिए. राइट राइट. ट्रांसलेट कीजिए. इसकी ट्रांसलेशन होगी ही स्वेयर टू He swear to both of them. Very good. Yes, he swore to both of them. He swore to both of them. ठीक है. उसने उन दोनों से कसम खा. ये उनका है, ये शैतान का है. एक्चुअली ये जो कॉन्टेक्स्ट मुझे समझ आ गया, ये शैतान कसम खाई हजरत आदम अलैहिस्सलाम से और हजरत अलैहिस्सलाम से. क्या कहा उसने कि अगर तुम लोग खा लोगे ना ये जन्नत के. अच्छा ये पता है ये क्या स्टोरी है इसकी? चलो थोड़ी सी डिस्कस करते हैं ताकि क्लास में थोड़ा इंटरेस्ट आ जाए. व्हाट इज द स्टोरी? वो क्या कसम खाई थी शैतान ने? हजरत आदम जी के वो तुम लोग हमेशा की जिंदगी. बिल्कुल सही. और ये नेक्स्ट भी इसी का ही है ना, नंबर 10 भी इसी स्टोरी. जी तो हाँ, तो उसने ये कसम खाई थी कि जो है ना अल्लाह सुभानहु व तआला ने, ये सूरह आराफ में इसकी डिटेल आती है कि अल्लाह सुभानहु व तआला ने जो तुम्हें मना किया था वो उसने ट्रैप किया. और वसवसा का मतलब होता है कि थोड़ा कहना फिर वापस आना, फिर दोबारा थोड़ा सा कहना. यू कीप ऑन पुटिंग अ लिटिल बिट अ लिटिल बिट अ लिटिल बिट जब तक कि इंसान का दिमाग बिल्कुल बदल ना जाए. तो उसने ये कहा कि अल्लाह सुभानहु व तआला ने जब तुम लोगों को जन्नत में भेजा था तो उस वक्त जो है ना तुम लोग नए नए जन्नत में आए थे और उस वक्त के लिए सिर्फ तुम्हें मना किया था कि फॉर दैट टाइम यू विल नॉट बी एबल टू ईट इट. बट अब तो तुम लोग काफी अरसे से जन्नत में रह रहे हो और तुम लोग यूज्ड टू हो चुके हो, तो अब अगर तुम लोग इस फल से दरख्त से फल खा लोगे तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा. और फिर अगर जो है ना तुम ये खा लोगे तो तुम यहाँ पे हमेशा की जो है वो जिंदगी गुजारोगे और तुम लोग फरिश्ते बन जाओगे.
तो इवेंचुअली क्या हुआ कि जैसे पत्थर पे भी अगर पानी पड़ता रहता है तो उसमें सुराख हो जाता है, तो इवेंचुअली ऐसा नहीं हुआ कि एक दफा में ही जो है वो हजरत आदम अलैहिस्सलाम से गलती भी नहीं, हम कहेंगे कि खता हुई वो, कि क्या उसने कंटिन्यूस एक एफर्ट करता रहा और चीजों को मैन्युपुलेट करता रहा एंड इवेंचुअली दे फेल फॉर हिज ट्रैप. चलिए नेक्स्ट वन कर लेते हैं. उस्ताजा मैं कर लूं? जी आप माहिरा जी आप कर लूं. इसमें उस्ताजा जो फाइल है वो हुमा के उस पे है, तो ये हो गया बोथ ऑफ देम टेस्टेड और इसमें मफूल नहीं है. बिल्कुल ठीक है, इसमें भी मफूल, और ये अगेन वही स्टोरी से रिलेटेड है. हाँ जी ठीक है बिल्कुल, बोथ ऑफ देम टेस्टेड, हजरत आदम अलैहि सलाम ने और हजरत हव्वा अलैहि सलाम ने इसको जो है वो फल खा लिया, चखा ही था. जैसे ही उन्होंने फल चखा तो क्या होगा, चले इसको थोड़ी सी कंप्लीट कर लेते स्टोरी ताकि ये बच्चों को भी समझ में आ जाए. जी बताइए सिस्टम आएगा या कोई भी सिस्टम रास्ता बताइए, देन व्हाट हैपेंड. जी जैसे ही शैतान के बहकावे में वो आ गए और उन्होंने वो फल को टेस्ट कर लिया तो उनके वे पर्दा हो गए और फिर उन्होंने जन्नत के पत्तों से अपने आप को फिर कवर किया और वो काफी नादिम, बहुत नादिम हुए उस पर अपनी गलती पे. बिल्कुल, तो ये शैतान की सबसे पहली जो ट्रिक होती है ना वो क्या होती है कि बच्चों को समझाने के लिए बहुत जरूरी है कि उसने बेइज्जत करने के लिए और अपना बदला लेने के लिए क्या किया कि उनके जो कपड़े थे वो उतार दिए. तो ये इंसान की फितरत के अंदर है कपड़ों को पहनना, कवरिंग योर सेल्फ. इसी वजह से क्या हुआ कि हमारे वालिद और हमारी वालिदा ने जब देखा कि कपड़े उतर गए तो उन्होंने पत्तों से अपने जिस्म को ढकना शुरू कर दिया. तो आजकल जो ये कॉन्सेप्ट है वेस्ट में तो काफी ज्यादा है और अब हमारे पास भी यही हो रहा है कि कपड़े हमारे शॉर्ट होते जा रहे हैं, स्लीवलेस होते जा रहे हैं, दुपट्टा गायब होता जा रहा है. तो इवेंचुअली ये क्या है कि शैतान चाहता है कि हमारे कपड़े छोटे होते जाएं और हमारे जो है ना वो जो जो हमारी बॉडी है वो ज्यादा रिवील होती जाए. सो दिस इज द बिगेस्ट ट्रैप, इंसान को बेइज्जत करने के लिए ये शैतान का बिगेस्ट ट्रैप है, उसके लिबास को उससे छीन लेना. इसको हम क्या कहते हैं आजकल, हम वी थिंक इट इज फैशन एंड वेयरिंग शॉर्ट क्लोथेस बीइंग मॉडर्न. चलिए ये वाली भी उन्हीं की दुआ है, हजरत आदम अलैहिस्सलाम ने फिर अल्लाह, अच्छा कितनी प्यारी बात है देखिए कि जब ये सब कुछ हो गया उन्हें एहसास हुआ फौरन हजरत आदम अलैहिस्सलाम को और बीबी हव्वा को कि मुझसे गलती हो गई. अब उन लोगों को पता तो नहीं था कि हम कैसे माफी मांगे, तो अल्लाह सुभान व तआला ने ही उनको दुआ सिखाई कि अब तुम ये दुआ मांगो, इन अल्फाज के जरिए तुमको मैं जो है वो माफ फरमाऊंगा. तो दिस इज अ पार्ट ऑफ द दुआ, रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकूनन्ना मिनल ख़ासिरीन. तो इसी का है ज़लमना अनफुसना. अब इसमें से बताइए कि कौन कर रहा है, कोई भी कर ले जल्दी जल्दी से, हम लोग कर लेंगे. मैं कर लूं? आप कर लीजिए. हमने गलत, हम दोनों ने गलत किया. चलो सिस्टर सर्वत आप कर ले. अखरजा मफूल इसमें नहीं है और ट्रांसलेशन क्या हो जाएगी? ही एक्सपेल्ड. ठीक है, ही एक्सपेल्ड. नेक्स्ट वन कौन कर रहे हैं? सिस्टम अदिया वापस आ गई है. हाँ सिस्टर नुदरत आ गई, चलें आप कीजिए सिस्टर नुदरत. सिस्टर आश्ता आप कर लीजिए.
फालू ये हम है ठीक है फाइल हम है और देयर इज नो मफूल देयर इज नो मफूल वेरी गुड तो एक चीज हमने नोटिस की कि फाइल का होना जरूरी है इजंट इट फाइल के बगैर तो जुमला फेलिया हो ही नहीं सकता देयर हैज टू बी अ फाइल लेकिन मफूल इज ऑप्शनल इजंट इट हम देखते हैं कहीं पे हमारे पास मफूल है और कहीं पे हमारे पास मफूल नहीं है जी ट्रांसलेट कीजिए इज़ा का पता नहीं क्या है नहीं नहीं बस सिर्फ आप फालू फालू दे डिड दे डिड दैट्स इट दे डिड एक्चुअली इसका पूरा ट्रांसलेशन होगा इज़ा फालू फाहिशतन एंड व्हेन दे डिड समथिंग फाहिशा को कहेंगे फ्री और नागवार चीज something inappropriate when they do something inappropriate chale the next one kaun karega we have a few to jaldi se kar lijiye khud hi aap log we have four of them to usko aap log volunteer kar lijiye jisko bhi karna hai jaldi jaldi ji mahira kar leti hu amar ye hua yani he commanded theek hai he commanded that's it okay next one kaun kar raha hai amantha ji muntaha aap kar lijiye harama he make ill for bed pehle file aur maful bataiye file to hua hai theek hai aur maful maful nahi ab bataiye he forbade aur he made it illegal theek hai acha ye inse karwa lete hain saad se saad nahi aa jaye साद आप कीजिए जल्दी से जा दिस इज वेरी इजी हम अभी कर चुके हैं जा आ का बताइए ओके कोई भी बता दे क्योंकि मैं इतनी देर वेट नहीं जी ही केम इसमें हुआ है और इसमें मफूल नहीं है ठीक है इसमें मफूल नहीं है ओनली वी हैव द फाइल एंड द फाइल इज हुआ और लास्ट वन जो है सलमान आप कर ले कज़बु और दोनों आप कर लीजिए कज़बु एंड इस्तकबरु कज़बु में होम होगा नहीं हुआ ठीक है वाओ जी इस्तकबरू में भी होम होगा ठीक है ट्रांसलेट कीजिए पहले कज़बू को अच्छा और मफूल है इसमें कज़बू यस सर कज़बू का मफूल है ना इमास कज़बू का मफूल है क्या नहीं है मफूल नहीं है मफूल ठीक है तो जल्दी से बताए ना कि नहीं है इस्तकबरू का मफूल है इसका भी नहीं है दोनों का मफूल नहीं है दोनों की सिर्फ फाइल है अब सलमान आप ट्रांसलेट कीजिए कज़बू कज़बू एक दफा आप सही बोलते हैं एंड देन यू आर नॉट श्योर अबाउट योरसेल्फ सो यू हैव टू बी कॉन्फिडेंट और ये बताइए इस्तकबरू दे वर एरोगेंट जी यस दे वर एरोगेंट और दे बिकेम एरोगेंट उन्होंने तकब्बुर किया चलिए ठीक है दिस इज ऑल फॉर नाउ और वैसे भी हमारा टाइम हो गया है वाली एक्सरसाइज इट्स सिमिलर टू व्हाट वी हैव डन एंड दिस इज सिंपलर बिकॉज़ इसमें ऑलरेडी यहां पर जो है वो फेल का ट्रांसलेशन हुआ है आपको इन्होंने कहा तो नहीं है लेकिन जिस तरह मैंने आपको करवाया है कि पहले आप फाइल निकालेंगे फिर आप मफूल निकालेंगे ठीक है सो इन द एक्सरसाइज आई शेयर इट विद यू तो इसमें आपको फाइल निकालना है फिर मफूल निकालना है दोनों को यहाँ पर लिख दीजिएगा फाइल को और मफूल को और उसके बाद फिर आप इसकी ट्रांसलेशन करेंगे दिस इज गोइंग टू बी योर होमवर्क ठीक है ओके
एक एक्सरसाइज करते हैं, जरा सा हम कुरान खोल लेते हैं, एक दो आयात हम देखते हैं. सो यू विल कम टू नो अल्हम्दुलिल्लाह हमने कितनी चीजें हमें कुरान से दो तीन आयात कर लेते हैं. अगर किसी को जाना है तो वो जा सकते हैं, बट आई विल टेक अनदर 10 मिनट. हमने स्टार्ट से किया, उसके बाद उसको जाना है वो चला गया. इसको रुकना है, यू कैन स्टे बैक फॉर 10 मिनट एंड सी हाउ फार वी हैव कम. खुल जाए कुरान हमारा तो फिर हम मिलकर देख सकते हैं कि अल्हम्दुलिल्लाह हम कितनी सारी चीजें जो है वो आइडेंटिफाई कर सकते हैं. सर्च नहीं कर रहा है. दो मिनट वेट कर लेते हैं, थोड़ा सा इंटरनेट स्लो है या आई डोंट नो व्हाई इतना टाइम लगा रहा है उसमें. उस्ताज़ ये किस किस्म के लेटर्स लिखे हुए हैं? इंटरनेट क्रेजी हुआ हुआ है. नहीं तो मैं कह रही हूँ कि ये आज इंटरनेट क्रेजी हुआ हुआ है, ये प्रॉब्लम सही तरह से वेबसाइट खुली नहीं रही. चलिए कोई बात नहीं, वी विल डू इट नेक्स्ट टाइम. ये तो कुछ सिंधी लग रही है मुझे. सिंधी हो गई इंटरनेट, पहले खुल नहीं रही थी ये वेबसाइट और अब खुली है तो अजीब वगैरह सी हो रही है. तो इंशाल्लाह फिर प्रैक्टिस करेंगे नेक्स्ट क्लास में. मैं जब आऊंगी तो पहले हम कुरान खोल के थोड़ी सी आयात को ट्रांसलेशन करेंगे और मतलब देखेंगे कि हम कितने वर्ड्स को आइडेंटिफाई कर रहे हैं अल्हम्दुलिल्लाह, और उसके बाद फिर प्रैक्टिस कर लेंगे. अगर कोई क्वेश्चन पूछना है तो पूछ लीजिए, अदरवाइज फिर हम एंड करते हैं सेशन को. अच्छा चलेंगे, ठीक हो गया, शुक्र है. फिर कहा कि मत जाए. एक आयत देख लेते हैं या दो आयत देख लेते हैं कि हाउ मेनी वर्ड्स वी आर एबल टू आइडेंटिफाई. किताबुन हमें समझ आ गया है ना, व्हाट इज किताबुन जी? अब आपसे कोई पूछेगा कि व्हाट इज किताबुन तो क्या कहेंगे आप लोग? इट इज इसम इन द रफा स्टेटस, ठीक है, इजंट इट? ओके, व्हाट इज अनजिला? नाम फतह पे खत्म हो रहा है तो ये क्या बनेगा? फेल. दिस इज अ फेल पास टेंस एंड व्हाट द फाइल इज हुआ. ही रिवील्ड. ही रिवील्ड. इलाही का बताइए. पॉइंट.
harf of jar fragment ki. Ila is the harf of jar and ka is the ism for it. So jar majrur harf of jar fragment. Fala takun humne nahi kiya. Fi swadri ka. Harf of jar plus mudaf. Very good. Harf of jar. Fi swadri is the harf of jar. And sadri is the fi is the harf of jar and sadri is the ism for it. So jar majrur and sadri is the mudaf and ka is the mudaf ilay. Harajun again is ism in the rafa status. Minhu aap identify kar sakte hain? What is minhu? Ye bhi jar majrur hai. Ye bhi jar majrur hai. Nitun se na humne abhi tak nahi kiya. Inshallah thode dinon mein kar lenge. Bihi kya hai? यार मजरूर है वज़ करो अलिफ मकसूरा आ रहा है तो ये क्या होगा अलिफ मकसूरा की वजह से बट व्हाट इज लिल मोमिनीना टुगेदर इसका है जर और मसब यार मजरूर Jar majrur, li is the harf of jar and mu'minina is the ism for it. Jar majrur fragment. ठीक है एक और आयत देखते हैं तो देख रहे हैं कि almost हमें कितने 80% words हम cover कर चुके हैं now we just have to put them together and see how to translate it. तो vocabulary को तो आपको खुद जो है वो जैसे exercise आप कर रहे हैं उस vocabulary को याद करते रहे इत्तबिउ ये क्या होगा ये फेल होगा जी इट इज फेल पास्ट टेंस फेल एंड दिस इज उम नाउ क्या दोबारा से आ गया व्हाट इज उनसिला हुआ पास्ट टेंस इन द हुआ फॉर्म इलैकुम जार मजरूर यस मेर रब्बिकुम जार मजरूर है निदाफा यस मेर रब्बी इज Harf of jar, Rabbi is the ism for it. So jar majrur, and then Rabbi is the mudaf, and kum is the mudaf. ठीक है अच्छा उसके बाद last तक तभी वो हमने नहीं किया min dunihi. Jar majrur and idafa. Yes. What is duni? Special mudaf. Special mudaf. Yes. और कलीलन क्या है व्हाट इज कलीलन कनीना नाउन है इस्म इन द फर्स्ट स्टेटस नो इट्स नॉट इन द नसब स्टेटस दिस इज इन द नसब स्टेटस सिस्टर सरवत आप भी प्लीज मुझे होमवर्क भेजना शुरू कीजिए क्योंकि आपकी काफी गलतियां आ रही हैं चलिए बस इतना काफी है इंशाल्लाह फिर हम और नेक्स्ट टाइम देखेंगे इट्स 10:40 तो अब बस मैं ये आपको बताना चाह रही हूँ कि एक आयत में कितने वर्ड्स हैं अल्हम्दुलिल्लाह जो कि आप लोगों ने कर लिए हैं देयर आर फ्यू थिंग्स दैट वी स्टिल हैव टू डू एंड देन वी हैव टू पुट देम टुगेदर एंड बी एबल टू ट्रांसलेट इट इसके लिए सिर्फ किस पे आप वर्क करने की जरूरत है वोकैबुलरी पे वर्क करने की जरूरत है ठीक है سبحانك اللهم وبحمدك نشهد ان لا اله الا انت نستغفرك ونتوب اليك السلام عليكم ورحمه الله وبركاته وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته جزاك الله جزاك الله استاذه and best of luck for exams and استاذه don't make next time hates and my brother Salman by the host make me Hassan Saeed the host okay I will Love is a struggle.